वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा आठवीं का व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है कारक और विभक्ति, तथा उसमें हम कारक के भेद अर्थात प्रकार भी पढ़ने वाले हैं, और कारक का यह सेशन नंबर दूसरा है। इसके पहले भागों में हमने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा कारक किसे कहते हैं यह पढ़ा, तथा कारक और विभक्ति में क्या फर्क होता है, कि कारक चिन्ह किसे कहा जाता है, फिर विभक्ति किसे कहा जाता है, इसमें क्या अंतर होता है, यह हमने विस्तार के साथ पढ़ा। अब कारक के अलग अलग प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं तो कौन कौन से कारक के प्रकार होते हैं। कारक कुल मिलकर 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादन कारक, छठा है संबंध कारक, सातवा है अधिकरण कारक, और आठवा है संबोधन कारक। तो अब कौन से कारक कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, या कौन से कारकों में कौन से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और उसे हमें कैसे पहचानना चाहिए, यह हम विस्तार के साथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक का पहला भेद अर्थात पहला प्रकार। कौन सा देखा था हमने? कर्ता कारक। तो देखते हैं अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम कोई भी चीज अगर व्याकरण से संबंधित पढ़ते हो तो हमें जो टॉपिक दिया होता है ना, उसको विस्तार के साथ पढ़ लेना चाहिए कि कर्ता कारक। अब देखो, उसके नाम से ही पता चल रहा है हमें। अब कारक का अर्थ तो सबको पता है, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा है? कर्ता, यह शब्द। तो कर्ता से हम क्या समझते हैं कि जी, अब वाक्य जब हम बनाते हैं तो उसमें क्रिया होती है, कर्ता होता है, कर्म होता है। तो कर्ता कारक इस वाक्य से ही हमें क्या समझ में आ रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता होगा या प्रधान रूप से कर्ता होगा, वह वाक्य हमेशा कर्ता कारक रहेगा। अब देखते हैं इसे अलग अलग उदाहरणों के द्वारा। पहले वाक्य लिखा है मैंने, शिवाजी ने सेनापति की प्रशंसा की। दूसरा है, पिताजी ने पत्र लिखा। तीसरा है, दादी जी खिलौने लाई। चौथा है, वैज्ञानिक नई नई खोज करते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने अलग अलग उदाहरण आपको दिए हैं। तो अगर इस उदाहरणों में अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो उनके उत्तर हमें मिलते हैं। जैसे कि देखो, पहला वाक्य क्या है, शिवाजी ने सेनापति की प्रशंसा की। तो अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि सेनापति की प्रशंसा किसने की, सेनापति की प्रशंसा किसने की, यह प्रश्न पूछने पर उत्तर क्या मिलता है? शिवाजी ने। अब दूसरे वाक्य में अगर प्रश्न पूछती हूं मैं कि पत्र किसने लिखा, पत्र किसने लिखा, यह प्रश्न पूछने पर उत्तर क्या मिलता है? पिताजी ने। उसी प्रकार तीसरे वाक्य में अगर मैं प्रश्न आपको पूछती हूं कि खिलौने कौन लाए, खिलौने कौन लाए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दादी जी। उसी प्रकार अगर चौथा वाक्य से संबंधित में प्रश्न पूछती हूँ कि नई नई खोज कौन करते हैं, अगर मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ कि नई नई खोज कौन करते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? वैज्ञानिक। तो शिवाजी ने, पिताजी ने, दादी जी, वैज्ञानिक, इन वाक्यों के साथ कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखो, यहाँ पर शिवाजी ने इस वाक्य के साथ, इस शब्द के साथ ने यह विभक्ति लगी है। उसी प्रकार पिताजी ने पत्र लिखा, इस पिताजी ने भी इसमें ने इस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लेकिन दादी जी इस कारक के साथ विभक्ति नहीं लगी है। उसी प्रकार वैज्ञानिक इस विभक्ति कारक के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखो, यहाँ पर विस्तार से लिखा हुआ है कि इस प्रकार जो रेखांकित किए गए जो शब्द है, शिवाजी ने, पिताजी ने, दादी जी, वैज्ञानिक, वह क्या हुए कि किसी न किसी क्रिया के कर्ता है। अगर हम एक एक वाक्य को विस्तार से पढ़ेंगे तो देखो, यहाँ पर
क्रिया हो रही है कि प्रशंसा करने की क्रिया हो रही है, जो कौन कर रहा है? शिवाजी। शिवाजी यह क्या है? संज्ञा है। संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं? कर्ता। तो अब देखो इस वाक्य में एक कर्ता है और क्रिया है, तो क्रिया के साथ कर्ता का होना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार तीसरा वाक्य अगर हम देखते हैं कि पिताजी ने पत्र लिखा, इसमें भी लिखने की क्रिया हो रही है और किसके द्वारा हो रही है? कि पिताजी के द्वारा। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखना यह क्रिया है और पिताजी यह क्या है? संज्ञा, अर्थात उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता। उसी प्रकार दादी जी खिलौने लाई, इस वाक्य में भी लाना यह क्या है? क्रिया है। और किसके द्वारा लाया गया है? कि दादी जी द्वारा। तो दादी जी संज्ञा है लेकिन उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता। उसी प्रकार वैज्ञानिक नई नई खोज करते हैं, इसमें वाक्य में भी खोज करने की क्रिया हो रही है और उसमें वैज्ञानिक यह क्या है? कर्ता है। तो किसी न किसी क्रिया के साथ कर्ता का संबंध स्थापित हुआ है, तो इनके इस रूप को हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक, क्योंकि इसमें कर्ता के साथ क्रिया का संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक। सामान्य रूप से कर्ता कारक की विभक्ति ने है, परंतु इस विभक्ति का प्रयोग हमेशा नहीं होता है। तो देखो अगर सर्वसामान्य रूप में देखा जाए तो कर्ता कारक की विभक्ति ने है, लेकिन हमेशा इस कर्ता कारक में विभक्ति लगेगी ऐसा नहीं है। कभी कभी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन वाक्य में क्रिया और कर्ता होते हैं उस समय विभक्ति नहीं होती। जैसे कि दादी जी खिलौने लाई, इस वाक्य में विभक्ति नहीं है लेकिन कर्ता है और क्रिया हो रही है। उसी प्रकार वैज्ञानिक नई नई खोज करते, इसमें भी विभक्ति नहीं है लेकिन उसमें क्रिया भी हो रही है और कर्ता भी है, इसलिए यह कर्ता कारक है। लेकिन यहाँ पर ने यह विभक्ति नहीं लगी है। तो इस प्रकार कर्ता कारक की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं और फिर उसके बाद और विस्तार के साथ हम कर्ता कारक को पढ़ेंगे। तो कर्ता कारक की डेफिनेशन क्या होगी? कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कि जैसे मैंने वाक्य को आपको स्पष्ट उदाहरणों के द्वारा जब मैं आपको समझा रहती थी, मैंने क्या कहा था आपको? कि क्रिया के साथ कर्ता जब हो तो वाक्य वह क्या होगा? कर्ता कारक। अब और भी उसको समझते हैं हम, कुछ उसकी विशेषता होती है कर्ता कारक की। कि देखो मैंने सबसे पहले क्या कहा था आपको? कि वाक्य में क्रिया और कर्ता हो और उसके साथ ने, हमेशा याद रखना है कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या होगी? ने यह विभक्ति आएगी। लेकिन जिस वाक्य में ने यह विभक्ति नहीं होती लेकिन उसमें एक क्रिया हो रही है तथा कर्ता है, तो उसमें विभक्ति नहीं है फिर भी वह कर्ता कारक ही होने वाले है। तो अब देखते हैं और कुछ उसकी विशेषता क्या होती है। सकर्मक क्रिया के सामान्य भूतकाल, अब देखो सकर्मक क्रिया क्या होती है, हमने ये पढ़ा है क्रिया कि जिसमें जो वाक्य कर्म के साथ होता है, जैसे कि हमने वाक्य अब पढ़े वह क्या है? सब सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया के साथ सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए ने विभक्ति का प्रयोग कब होता है, आपको ये ध्यान में रखना है, भूल नहीं जाना है आपको। कभी कभी ये छोटी छोटी चीजों की वजह से ही आप क्या कर देते हैं, आपके अंक मिस कर देते हैं। तो जहां पर ने विभक्ति कब होगी कर्ता कारक के साथ, कि जब वह सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो और वह सामान्य भूतकाल हो, पूर्ण वर्तमान काल हो और पूर्ण भूतकाल, तो ऐसे वाक्य में हमेशा ने विभक्ति लगने वाली है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया कि कमल ने रोटी खाई, यह कौन सा वाक्य? सामान्य भूतकाल था, भूतकाल का है, इसलिए कमल ने रोटी खाई, इस वाक्य में ने यह विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है, कमल ने रोटी
खाई है, तो इसमें भी ने इस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके साथ कमल ने रोटी खाई थी, भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल, तो यहाँ पर भी देखो ने इस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सामान्य भूतकाल के वाक्य में, पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में तथा पूर्ण भूतकाल के वाक्य में अगर वह सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है तो उसमें हमेशा ने यह विभक्ति लगने वाली है। अब ने यह विभक्ति का प्रयोग कब नहीं होता, इसके पहले इसमें हमने क्या देखा था कि ने कर्ता कारक में ने इस विभक्ति का प्रयोग कब किया जाता है, और अब कर्ता कारक में ने इस विभक्ति का प्रयोग कब नहीं होता यह हम पढ़ेंगे। कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल तथा सामान्य भविष्य काल की क्रिया के कर्ता के साथ ने इस विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। कि देखो जैसे कि यहाँ पर दिया है सामान्य वर्तमान काल का वाक्य, भरत रोटी खाता है। अब देखो भरत रोटी खाता है यह वाक्य कौन सा है, कर्ता कारक है, क्योंकि इसमें कर्ता भी है और क्रिया भी हो रही है, लेकिन इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। कौन से ने इस विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन फिर भी यह वाक्य कौन सा है, कर्ता कारक। उसी प्रकार अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य देखते हैं कि भरत रोटी खा रहा है, इसमें भी देखो ने इस विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला वाक्य देखते हैं अपूर्ण भूतकाल का, भरत रोटी खा रहा था, भरत रोटी खा रहा था, इसमें भी ने इस विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद भरत रोटी खाएगा कौन सा वाक्य है, सामान्य भविष्य काल है यह, इसमें भी देखो भरत रोटी खाएगा, इसमें भी ने यह विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस प्रकार कर्ता कारक में कौन से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ने, और कभी कभी वाक्य में ने इस विभक्ति का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हमने कर्ता कारक को समझ लिया है। अब कारक के भेद में हम पढ़ रहे दूसरा प्रकार, कर्म कारक। अब देखो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कर्म, कर्ता, क्रिया और कर्म। देखते हैं कुछ अलग अलग उदाहरणों के द्वारा इसे हम समझते हैं। पहला उदाहरण है बंदर ने मुर्गे को बचाया। अब देखो यहाँ पर भी बचाना यह एक क्रिया है, फिर बंदर यह एक क्या है, संज्ञा अर्थात कर्ता, और किसे बचाया जा रहा है, मुर्गे को। उसी प्रकार मुसीबत में लोग भगवान को याद करते हैं, तो देखो याद करना यह क्रिया है, और कब याद करते हैं, मुसीबत में, या मुसीबत में किसे लोग याद करते हैं, भगवान को। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है लाला जी ने तस्वीरें देखी, तो यहाँ पर देखने की क्रिया हो रही है और कौन देख रहे हैं, लाला जी, लाला जी यह क्या है, करता है, और लाला जी क्या देख रहे हैं, तो तस्वीरें देख रहे हैं। लोगों ने उसे राजा बनाया। अब देखो लोगों ने किसे राजा बनाया, अगर हम ऐसा प्रश्न पूछते कि लोगों ने किसे राजा बनाया, तो उत्तर आता है उसे। तो इस प्रकार इन वाक्यों में मुर्गे को, भगवान को, तस्वीरें और उसे, यह क्या है, कारक है, लेकिन कौन से है, कर्म कारक। अब देखो क्या हो रहा है कि इन रेखांकित शब्द है जो मुर्गे को, भगवान को, तस्वीरें, उसे, इस पर क्या हो रहा है कि क्रिया का फल हो रहा है, कि परिणाम हो रहा है, कि देखो लाला जी ने क्या किया, किसकी तस्वीर क्या किया, कौन सी क्रिया की, तस्वीरें निकालने की क्रिया की, मतलब तस्वीरें निकालने का परिणाम हो रहा है। फिर बंदर ने मुर्गे को बचाया, बंदर ने किसे बचाया है, बचाने की क्रिया हो रही है, और मुर्गे को बचाने की क्रिया हो रही है, तो किसको बचाया गया है, मुर्गे को, तो उसका बचाने का फल किस पर हो गया है, मुर्गे को। तो उसी प्रकार लोगों ने उसे राजा बनाया, इसमें भी राजा बनाने की क्रिया की जा रही है, और किसे, उसे। तो इस प्रकार इन शब्दों को, मुर्गे को, भगवान को, तस्वीरें, उसे, इस पर क्रिया का फल पड़ता है, अर्थात उसका परिणाम हो रहा है, और इसके रूप को हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक।
तो देखो इन रेखांकित शब्दों पर क्रिया का फल अर्थात परिणाम पड़ता है, इसलिए ऐसे रूप को हम क्या कहेंगे, कर्म कारक। सामान्य रूप से कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। तो देखो यहाँ पर मुर्गे को, भगवान को, पर इसका प्रयोग निर्जीव के साथ नहीं होता है। अब देखो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, कर्ता कारक। कर्ता कारक में हमने विभक्ति किसके साथ लगती है और किसके साथ नहीं, सकर्म क्रिया के साथ लगती है, और कौन कौन से काल के रूप में हमने देखा था और कहां पर वो नहीं लगती ये भी देखा। अब देखो कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है, को। लेकिन को यह विभक्ति हमेशा सजीवों के साथ ही लगती है, निर्जीवों के साथ नहीं। अब देखो यहाँ पर मुर्गे, मुर्गा यह क्या है, सजीव है, इसलिए को यह विभक्ति लगी है। लेकिन देखो लाला जी ने तस्वीरें देखी, तस्वीरें यह शब्द कौन सा है, निर्जीव है, इसलिए निर्जीव के साथ को यह विभक्ति नहीं लगी है। इसमें देखो बंदर ने मुर्गे को बचाया, मुर्गा यह भगवान को, यह क्या है, सजीव है, इसलिए उनके साथ को यह विभक्ति लगी है। लेकिन तस्वीरें और उसे, यह उसे भी देखो यह सजीव है लेकिन उसके साथ सर्वनाम है, इसलिए उसके साथ को यह विभक्ति नहीं लगी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कर्म कारक डेफिनेशन क्या हो गई, कर्म कारक की परिभाषा। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल अर्थात परिणाम पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को हम क्या कहेंगे, कर्म कारक। तो देखो कर्म कारक में कर्ता, क्रिया और कर्म, इनका आपस में एक दूसरे पर फल परिणाम होता है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कारक। अब देखो यहां पर मैं और एक आपको समझाती हूँ कि किस प्रकार सजीवों के साथ और निर्जीवों के साथ नहीं लगता है। जैसे कि प्राय सजीवों के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है लेकिन निर्जीवों के साथ नहीं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है मैंने, राम ने रावण को मारा। अब देखो रावण को, रावण यह क्या है, सजीव है, इसलिए यहाँ पर को इस विभक्ति का प्रयोग किया है। लेकिन देखो अब दूसरा वाक्य, राम ने रोटी खाई। अब रोटी यह क्या है, निर्जीव है, इसलिए उसके साथ को यह विभक्ति नहीं लगी है। यदि कर्म के साथ स्थान पर संज्ञा के रूप में विशेषण हो तो को विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो इसकी विशेषता क्या है कि कर्म कारक की, कि जब संज्ञा के स्थान पर विशेषण के रूप में उसका प्रयोग होगा तो को इस विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि देखो हमें बड़ों को सम्मान देना, इसमें बड़ों को, बड़े शब्द क्या है, विशेषण है। छोटों को प्यार दो, इसमें भी देखो छोटों को, तो यह विशेषण है लेकिन विभक्ति कौन सी है, को। भूखे को खाना दो, इसमें देखो भूखा, यह विशेषण है, इसलिए भूखे को यह को यह विभक्ति लगी है विशेषण के साथ। तो बच्चों हमने कर्ता कारक और कर्म कारक को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब कारक के अन्य प्रकारों को भी हम समझेंगे लेकिन इसके अगले भाग में, मिलते हैं इसके अगले भाग में।